गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चा आज हम सेकंड बैलेंस इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास सेकंड बैलेंस इक्वेशन है दैट इज कंबशन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कंबशन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। स्टेटमेंट है आपका कि कंबशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो हमारा जो स्टेप होता है बैलेंस इक्वेशन का, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि हमने किसकी फॉर्म में लिखना होता है, हमने इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले जो इक्वेशन होगी उसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। हमारी वर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, मीथेन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमारी ऑक्सीजन के साथ। ओके, और क्या प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है बेटा वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज वाटर। ठीक है, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हम इसको फॉर्मूलाज या सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर टू। तो मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। एंड वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को, जो हमारी वर्ड इक्वेशन थी, हमने उसको किस फॉर्म में लिख लिया, हमने उसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है, हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट है, लाइक हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा और हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम इनके नंबर चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कितने। ठीक है, तो कार्बन लेफ्ट साइड पे कितना है, 1, और राइट साइड पे भी कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट साइड पे, 4, और राइट साइड पे कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 एंड 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, वो 3 है। ओके, तो स्टेप नंबर 3 के बाद, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स लिखने के बाद, अब हम इन्हें क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम्स को। ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, CH4 + O2 CO2 + 2H2O। अब देखो हमारे कार्बन बैलेंस है, यस कार्बन एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4, इधर भी कितने हैं, 4। वट अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितने हैं, 2। इधर भी हमारे ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2 है और ये 2 है, ये यानी कि हमारे 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि इधर 4 ऑक्सीजन है टोटल और इधर हमारे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम स्टेप नंबर 5 में, स्टेप 5, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ओके, यहाँ पे आप इसको लिखोगे कैपिटल ओ एटम। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2 इधर है और 2 इधर है, ये कितने हो गए, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। ठीक है, तो ये हमारी, अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे यहाँ सारा कुछ बैलेंस है। हम यहाँ पे अगेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो कार्बन लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 1, यहाँ पे भी राइट साइड पे भी कितने हैं, 1। ओके, हमारी लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी 2, तो ये कितने हो गए हमारे, 4। तो ये हमारी जो इक्वेशन है अब क्या है, बैलेंस्ड है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, CH4 + 2O2
आरओ सीओ टू प्लस टू एस टू ओ. ओके, तो ये थी हमारी सेकेंड केमिकल इक्वेशन, दैट कंबर्शन ऑफ मिथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके.